महाशिवरात्रि के मौके पर शुक्रवार को सिरसा के सभी शिवालयों में भगवान शिव के भक्तों की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के जयकारे के साथ जलाभिषेक किया। वहीं इस अवसर पर श्री बाबा ताराजी कुटिया में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कुटिया में 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के लिए भंडारे के प्रसाद का प्रबंध किया गया। इस बार श्रद्धालुओं की भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुटिया के मुख्य द्वार तक श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई थी। शिवरात्रि के पर्व पर सिरसा के विधायक गोपाल कांडा ने सभी श्रद्धालुओं को बधाई दी और भंडारे का शुभारंभ किया। उधर कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा के संयोजन में यह विशाल कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर गोपाल कांडा ने कहा कि भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने से व्यक्ति में अहम की भावना समाप्त होती है। इससे न केवल आपसी भाईचारा बढ़ता है बल्कि साथ में भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर श्रद्धालु रोग मुक्त हो जाते हैं। बाबा तारा जी के सेवक हैं, ये भीड़ नहीं है क्योंकि बाबा तारा जी का जन्म शिवरात्रि का परम दिन शिवरात्रि को है। वो शिव के अवतार है और पूरा जिला साथ में लगता राजस्थान पंजाब उनकी श्रद्धा है कि हम भगवान शिव के पास जाएं और आज इन्होंने नतमस्तक किया है बाबा जी के चरणों में और बाबा जी का भंडारा ग्रहण किया है। तो मैं तो मेरी तरफ से परिवार की तरफ से पूरा जिला वासियों को प्रदेश वासियों को और आज ये जो पूरे जो कुटिया में सेवक आए हैं बाबा जी को इनको प्रणाम करता हूँ और इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ महाशिवरात्रि में। ये बाबा तारा जी की कुटिया में आँखों के कैंप हर शनिवार को लगते हैं। 50,000 से ऊपर गरीबों का ऑपरेशन फ्री हो चुका है। जरूरतमंद परिवारों की लड़कियों की शादियाँ, जरूरतमंद परिवारों के इलाज, ये चीज़ें हमारी कुटिया में 12 महीने चलती रहती है। बाबा जी का आशीर्वाद है और बाबा जी के आशीर्वाद से आज आप देख रहे हैं कि महाशिवरात्रि पे पूरा लोगों को इतनी आस्था है कि आज पूरा मेरे ख्याल से सिरसा जिला तो है ही है, इसके साथ पंजाब और राजस्थान भी आप देख रहे हैं कैसे उमड़ा हुआ है। जबकि हमने कोविड के अंदर सबसे प्रार्थना की थी कि कोविड का ध्यान रखते हुए 6 फुट की दूरी रखें, मास्क लगा के रखें और ये चीज़ दायित्व हमने दे रखी है और जगह जगह होल्डिंग लगा रखे हैं, अनाउंसमेंट भी किया है, लेकिन उसके बाद भी आज अपार भीड़ है बाबा जी।